बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए नाज़रीन, आज मैंने ये गुड़ वाले चावल बनाए हैं। आप ये वीडियो देख के बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है, मैंने तो चखे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करके बताइएगा कि कैसी बनी है। ठीक है, चले आए जी, ये रेसिपी शुरू करते हैं, आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ये मैंने लिया गुड़, 3 पाव गुड़ है, 1 किलो चावल है जो मैंने आधा घंटा भिगो लिए, ये गुड़ है, ताज़ा फ्रेश गुड़ था केमिकल से पा के। ठीक है, अब ये मेवे लिए हैं मैंने, और बादाम है, लौंग है, बादियानी का फूल है, और इलायची है, और गरी है, और ये सौंफ है। ठीक है, सबसे पहले हमने देगची में ये गुड़ डालना है, और पानी थोड़ा सा डालना है, ये अच्छी तरह साफ करके सारा डालना है, क्योंकि मैंने काटा है वो साथ चिपक गया, बारीक बारीक किया है। और ये आधा कप मैं पानी का डालने लगी हूँ। ठीक है, इसको बस मेल्ट करने के लिए, ये खुशक कर लेना वैसे पानी। ठीक है, अब ये 5 मिनट मैं पकाऊंगी, पहले तेज़ करूंगी फिर आसा कर लूँगी, दम पे पकाऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने ये चावल का पानी रखा है, और पानी ज़्यादा रखना है, जितने चावल हैं उससे ज़्यादा पानी रखना है। ठीक है, जैसे चावल उबालते हैं हम आम चावल, उससे ज़रा ये कनी रख के पकाने हैं, 2 कनी चावल। ठीक है, ये उबाल के सारे डाल देने हैं, और ये उबाल के तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे चेक करना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं चावल 1-2 उबाल आ गया, और मैं चेक करने लगी हूँ आपके सामने, ये ठीक हो गया। ये देखिए, ऐसे चावल कनी अंदर हो तो फिर ये इसको निचोड़ना। ठीक है, ज़्यादा ना कच्चे हों ना ज़्यादा गले हों, फिर सही है। इसके बाद हम मैंने घी लिया है, देसी घी में ये पकाए हैं, 1.5 किलो चावल हैं, 1.5 पाव जो है ना लेना है घी। इसमें मैं सबसे पहले लौंग डालूँगी, 5-6 लौंग है। ठीक है, ये बादियान का फूल है, ये सारे पीस उतार देने इस फूल के, ऐसे उतार के ये 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, मैंने खोल के डाल ली है। ठीक है, इसका अच्छी तरह असर निकले अंदर से, 5 इलायची हैं, ये सारी मैंने डालनी है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, लौंग की भी खुशबू बड़ी अच्छी लगी है, बादियानी का फूल का भी बहुत अच्छी खुशबू लगी है। इसको थोड़ा सा ऐसे गर्म कर लेना है, इसको जलाना नहीं है, इसकी खुशबू निकालनी है बस। इसके बाद हमने ये डाल देना है सौंफ। ठीक है, ये हो गया, अब मैं इसके अंदर सौंफ डालने लगी हूँ। ठीक है, मैंने आँच हल्की की हुई है कि जले ना। अब ये इसकी खुशबू आ गई है, ये सौंफ डालने लगी, क्योंकि वो मैंने बहुत ही हल्की आंच की हुई है कि अच्छी तरह इसका ना जले, और ये डाल देने। इसके साथ ही हमने इसको 2 मिनट के लिए, दो सेकंड के लिए समझ लिया कि मैंने इसको करना है। इसके बाद हमने मेवे डालना है, उसको भी फ्राई करने हैं, बड़े अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। ये देखें, इतने से बस फ्राई करनी है, फिर मैंने डाल देने हैं ये करी और ये बादाम। ठीक है, और भी अगर आप मेवे वगैरह कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो मैंने तो यही डाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ज़्यादा नहीं इसको भूनना, रेड रेड नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा ही भूनना है। और इसके अंदर जो हमने चाशनी बनाई है वो एक छन्नी लेके उसके अंदर हमने वो डालनी है कि जो गंद वगैरह हो, तिनके वगैरह हो जाते हैं, गन्ने के साथ आ जाते हैं, उसको हमने भून लेना है। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ना, सही चाशनी बनाई है, इसमें पानी
नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। ये देखें, अब ये मैंने ये जो गंद रह गया वो हमने फेंक देना है, ठीक है। अब इसके साथ ही हमने ये अंदर चावल डाल लेने हैं, चावल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको, दूसरी वीडियो भी देखा करें, ठीक है। अब ये ऐसे इसको एक दफ़ा सारे चावलों को मिक्स कर देना, ज़्यादा नहीं चम्मच लगाना, बस इतना करना है कि चावल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए इसको एक बार एक जैसे करके सेट कर देने हैं। फिर इसको मैंने ना ढक्कन के ऊपर कोना लगा के, कपड़ा लगा के इसको ढांप देना है, उसके ऊपर वजन रखना है, ठीक है। और अब मैं इसके नीचे तवा रख के एक दम लगाऊंगी कि वो जले ना नीचे से, चावल ना जले। तो ये चावल होते हैं ना मीठा होता है, मीठा जल्दी लग जाता है। आप इसको ना तवा ज़रूर नीचे रख दें, मोटा हो ना तो फिर नहीं चावल दम अच्छी तरह लग जाता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कपड़ा लगाया हुआ है, ये इसको ढक्कन को मैंने ऊपर दे दिया है, ऊपर मैंने ढक देना है, ये वज़न दे देना थोड़ा सा, ठीक है। और अब मैं 10 मिनट के बाद, अब ये देखिए 10 मिनट हो गए, अब हमारे चावल माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लगे हैं, पक गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए नीचे तक भी वो नीचे नहीं लगे, नीचे तक भी एक जैसे ही चावल पके हैं। इस तवे का ये फ़ायदा होता है, हम ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं, ना ढीले हैं, ना सख्त हैं, बहुत ही जगह के बने हैं। जो असली गुड़ होता है ना, जो केमिकल वाला होता है वो वाइट होता है, जो असली निकला होता है ना वो इसका कलर यही आता है, सही गुड़ के चावल का कलर ये है। ये देखिए कैसी लगे मेरे चावल पके हुए, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हमें याद रखें। अगली रेसिपी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।